खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों के इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या है। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। प्रदेश में फैल रही संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और निगरानी के लिए सरकार ने राज्य सर्विलांस समिति और जिला स्तर पर जिला सर्विलांस समिति का गठन किया है। जिला स्तर पर बनी सर्विलांस समिति हर महीने बैठक कर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट स्टेट लेवल सर्विलांस समिति को भेजेगी, जिससे संक्रामक बीमारी महामारी का रूप अख्तियार करे उसके पहले ही इसकी रोकथाम के लिए रणनीति बनाई जा सके। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और जिस तरह से संक्रामक बीमारियों को लेकर बात की जाए तो उसको लेकर शासन प्रशासन के स्तर पर गंभीरता से कदम उठाए जाने लगे और उसको लेकर टीम गठन करके उसका मौके पर मुआयना करते हुए रिपोर्ट तैयार करने की बात निकल कर सामने आ रही है, क्या कुछ है इस लेकर? जी हाँ कमर, ये गोवा में जो स्वास्थ्य विभाग के जो है पूरे नेशनल स्वास्थ्य विभाग के इसका कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ ये निर्णय लिया गया था कि जिले में सर्विलांस समितियां बनाई जाएंगी, उसके बाद राज्य स्तरीय सर्विलांस समितियां बनाई जाएंगी और जो राज्य स्तरीय सर्विलांस समिति से रिपोर्ट तैयार होगी वो जो दिल्ली में सेल है हेल्थ का उसको जाएगी, वहाँ पूरी रिसर्च होगी। तो ये जो बीमारियां आ जाती हैं, नई नई बीमारियां आ जाती हैं जो फिर संक्रामक बीमारियाँ वो आगे जाके महामारी का रूप ले लेती हैं, तो इसके पूरे गंभीर अध्ययन के लिए बाकायदा हर महीने बैठकें होंगी, पूरी फील्ड की रिपोर्ट आएगी। इसके लिए जो जिला स्तर पे है वो कलेक्टर को इस समिति का प्रभारी बनाया गया है और जो राज्य स्तर पे है वहाँ पे ACS हेल्थ को इसका जो सर्विलांस समिति रहेगी उसका हेड बनाया गया है। तो ये अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करके अपना अलग अलग स्तर है वहाँ पे भेजेंगे। सबके काम अलग है, जिला स्तर पर जो सर्विलांस समिति है कमर उसके काम बिल्कुल अलग है, वो फील्ड में जो कुछ हो रहा है हर जिले में तो वो वहाँ से पूरी रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे, उसका पूरा अध्ययन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से उसकी रोकथाम की जा सकती थी और किस तरह से आगे उसमें रिसर्च किया जा सकता है तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और तैयार करके वो पूरी रिपोर्ट को राज्य स्तरीय सर्विलांस समिति में भेजेंगे। तो इसके लिए जो है वो इस जो है स्टेट लेवल पे जो बनी हुई है समिति वो तीन महीने में एक बार बैठक करेगी और जो जिला स्तर पे समिति बनी है वो हर महीने बैठक करेगी जी। जैसे हर महीने बैठक होने से ये रहेगा कि जो भी जिलों में कोई बीमारी ऐसी आई है जिसके रोकथाम के लिए कोई उपाय किए जाना है, जो जिला स्तर पे नहीं संभव हो सकते हैं आगे उसके लिए रिसर्च टीम को मदद लेनी है या कुछ और करना है, तो इस सब के लिए फिर वो रिपोर्ट भेजेंगे राज्य स्तरीय। जी बिल्कुल, और जिस तरह से राज्य स्तरीय आप बात कर रहे हैं कि सरकार ने राज्य सर्विलांस और इसके अलावा जिला सर्विलांस जो है राज्य को रिपोर्ट करेगा, और ऐसे में जब किसी चीज को लेकर समिति बनाई जाती है उमेश जी तो कहा जाता है कि इतने लोगों की टीम होगी, तो ऐसे में राज्य स्तर को लेकर बात की जाए या जिला स्तर को लेकर बात की जाए तो कितने लोगों की टीम, कितने लोग इसमें विशेषज्ञ हो सकते हैं? जी हाँ, वो पूरे कितने कितने लोग शामिल किए गए हैं ये इसमें जो राज्य स्तरीय सर्विलांस समिति है उसमें अपर मुख्य सचिव हैं, उसके अध्यक्ष होंगे, उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों को अलग अलग शामिल किया गया है, इसके साथ ही उसमें जो है पशु चिकित्सा विभाग को भी शामिल किया है कि कोई ऐसी बीमारी जो है वो पशुओं के कारण आ रही है या कोई वो है, इसके अलावा राज्य वन जीव जो है उसके और वन विभाग के इनको भी शामिल किया जाएगा, इसके अलावा पर्यावरण विभाग के की कोई वातावरण के कारण हो या पर्यावरण में कोई ऐसी हो जिसके कारण संक्रामक बीमारियां फैल रही हो, इसके अलावा होम डिपार्टमेंट और जो राज्य स्तरीय मेडिकल एसोसिएशन है उसको शामिल किया जाएगा, और इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं उनको ये अधिकार होगा कि इससे जुड़े किसी और कौन से लोगों को शामिल किया जा सकता है जी। कमर, जो जिले में है जिले में कलेक्टर होंगे, CMHO रहेंगे इसमें, इसके अलावा हेल्थ के और भी कई अधिकारियों को रखा है, TV के हैं, चिकित्सा महाविद्यालय जो हैं उनके प्रतिनिधि रहेंगे, पुलिस अधीक्षक को शामिल किया गया है, इसके अलावा मेडिकल एसोसिएशन
के प्रतिनिधि होंगे, यहाँ भी पशु चिकित्सा विभाग के, वन विभाग के और यहाँ जल बोर्ड के लोगों को भी जिले में शामिल किया गया है कि पानी के कारण तो कुछ नहीं है, जैसे पशुओं के कारण है, वायु या प्रदूषण उसके वायु जो पर्यावरण के कारण हो, तो जल बोर्ड के लोगों को भी रखा है जिसमें कि नगरीय निकाय के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा जिला जो पंचायतें हैं उसके पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ भी यदि कलेक्टर और CMHO किसी को उचित समझें तो उनको बुला लिया जाएगा। कमर एक बात बताना चाहूँगा मैं कि जो जेनेटिक बीमारी है, वाहक जनित बीमारियां हैं, खाद्य से संबंधित बीमारियां हैं, जो पशुओं से फैलने वाली बीमारियां हैं या वायरल हेपेटाइटिस की हैं, इन सब की पूरी जो है ऐसी और भी जो दूसरी हैं सब की पूरी रिपोर्टिंग होगी और रिपोर्टिंग करके वो मीटिंगों में रखा जाएगा और उसके बाद उसमें देखा जाएगा जिले स्तर पर क्या हो सकता है और जिले स्तर से ऊपर की चीज़ें क्या हैं, तो वो चीज़ें सारी ऊपर भेजी जाएगी जिससे कि आगे इसमें रोकथाम की जाए। ये सब चीज़ें बन रही हैं संक्रामक बीमारियों की जो महामारी का रूप ना ले पाएं उससे पहले ही रोकथाम के लिए और निगरानी के लिए, जिससे सतत निगरानी रखी जाए जिला स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। उसके बाद राज्य स्तर से जो रिपोर्ट तैयार होगी वो सेंट्रल के जो हेल्थ का सेल है ये संक्रामक बीमारियों की निगरानी और रोकथाम के लिए उसको भेजा जाएगा। वहाँ नियमित अध्ययन होता है कि कैसे क्या हो रहा है और उसकी रोकथाम किस तरह की जा सकती है। बिल्कुल उमेश जी, क्योंकि कई तरह से संक्रमण फैलता है, इसका जिक्र भी आपने किया, चाहे पशुओं से जुड़ी बीमारियों को लेकर बात की जाए या खेतों में जिस तरह से खाद या अन्य पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ संक्रमित बीमारियां यहां पर उत्पन्न होती दिखाई देती। तो ऐसे में क्या लगता है जिस तरह की टीम गठित की गई है, समिति बनाने की बात निकलकर सामने आ रही है, ये सिर्फ कारणों को लेकर अध्ययन करेंगे, इसको लेकर मीटिंग करके विचार विमर्श करेंगे या इसके अलावा ऐसी कोई रूपरेखा भी बनेगी कि इनसे होने वाली बीमारियों पर भी रोक लगाई जा सके? वो कारण भी ढूंढेंगे, वो कारण ढूंढने के साथ रूपरेखा भी, पूरी रणनीति भी तैयार करेंगे जो वो अपने स्तर पर बना सकते हैं। यदि इसके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो अभी वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, उसका अध्ययन होना है, तो उसके लिए वो राज्य स्तरीय सर्विलांस समिति को भेजेंगे। फिर वो राज्य स्तरीय सर्विलांस समिति देखेंगे कि क्या ये राज्य स्तर पर जो भोपाल में है या और भी जगह जहाँ हैं, कई लेबोरेटरी हैं, कई इसके लिए अध्ययन होता है तो वहाँ पर इसका क्या कुछ किया जा सकता है। और जो चीज़ इनके लिए नहीं होगी या कुछ ऐसी वो होगी जो इनके बस की नहीं होगी, वो फिर इसको जो है दिल्ली भेजा जाएगा, तो दिल्ली में भी इसका अध्ययन होगा जी कि किस तरह से, और फिर उसके बाद सारी चीजें सामने आएंगी कि इस तरह की बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए ये कदम तत्काल। बिल्कुल, काफी सराहनीय कदम और काफी अच्छी जो है समिति बनाने के बाद जिस तरह से रणनीति बनने के बाद उमेश जी निकलकर सामने आ रही, तो वाकई इससे काफी कुछ लाभ मिलता दिखाई देगा, वो भी तब जब जिस तरह से संक्रमित मरीजों को लेकर बात की जाए, क्योंकि कई बीमारियों में ये पता नहीं चल पाता कि आखिर ये संक्रमण फैला तो किस वजह से फैला है, तो ऐसे में काफी अच्छा रिजल्ट निकल कर आने की उम्मीद है। और फिलहाल इस खबर के बाद अगली खबर पर रुख करेंगे और बात करेंगे एक और अगली खबर को लेकर, प्रशासनिक विभाग से जुड़ी यह खबर आपको बता दें, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं कि मानते ही नहीं हैं, बार बार और लगातार कामकाज में लापरवाही बरत रहे, अब हालत ये हो गए हैं कि मुख्यमंत्री की बैठक और कॉन्फ्रेंस को भी हल्के में लेने लगे हैं। सीएम की बैठक और कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ विभागों के द्वारा समय पर जानकारी ही मुहैया नहीं कराई जाती है, इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, बार बार सख्ती वाली बात शासन की तरफ से निकलकर सामने आती है और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात की जाए तो बार बार यही बात कहते नजर आते हैं कि हीला हवाला नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगी, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर देखा जाए जो मौजूदा स्थिति निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से आपने भी सर्वे किया कि कहीं ना कहीं इन पर इस सख्ती का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ कमल, बिल्कुल सही कहा आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी गंभीर हैं और वो फील्ड में भी निर्देश देते हैं, उसके बाद उस पर अमल करने के लिए अधिकारियों के लिए जो है वो मंत्रालय में समीक्षा बैठकें भी करते हैं और समीक्षा बैठकों में भी जब कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है और भी दूसरी मीटिंगें होती हैं तो उसमें वो नियमित अधिकारियों को निर्देश देते हैं, और कहीं उनको ऐसा लगता है कि एक अधिकारी नहीं ठीक कर रहे हैं काम तो डांटते भी हैं, बाकायदा उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों के कार्यप्रणाली जो है उसमें कोई अंतर नहीं आ पा रहा है। कुछ जरूर सुधर गए होंगे लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अभी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जो अभी एक सभी ACS को, प्रमुख सचिव को, सचिवों को जो एक
पत्र भेजा है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या मुख्यमंत्री के द्वारा जो समीक्षा ली जाती है उसको भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, समय पे जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिसके कारण जो मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकें होती हैं वहाँ पे जानकारी समय पे नहीं बैठती। कमर, मैं ये बताना चाहूँगा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में एक लेटर भेजा है जो सभी विभागों को भेजा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस जो मुख्यमंत्री के द्वारा हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक की कॉन्फ्रेंस ली जाती है जी, इस संबंध में बार बार स्मरण कराने के बाद भी कुछ विभाग ऐसे हैं जो समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। और उन्होंने इतना ही नहीं, ये भी लिखा है कि किसी किसी विभाग के द्वारा तो जो जानकारी दी जाती है वो अधूरी जानकारी होती है और किस अधिकारी ने जानकारी भेजी ये भी उसमें उल्लेख नहीं होता है जी। तो इस तरह की घोर लापरवाही की जा रही है और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को और सचिवों को कि जो अधीनस्थ अमला है उसको आप अंकुश लगाएं और निर्देशित करें कि जो मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो समीक्षा बैठकें होती हैं, उसके लिए जो निर्देश नीचे भेजे जाते हैं उसका समय सीमा में पालन करें और समय सीमा में पूरी जानकारी संबंधित विभाग को, खासकर मुख्य सचिव विभाग को, सामान्य प्रशासन विभाग को और मुख्यमंत्री के कार्यालय को वो उपलब्ध कराएं, जहां भी जो निर्देश दिए गए हैं जिनको उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर बात है। और ऐसा ही एक मामला जल संसाधन विभाग में भी प्रकाश में आया है, जहां पर जो है ये जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन मुख्यमंत्री ने इसको खुलवाया इसलिए था कि किसी को कहीं कोई आम नागरिक को कोई परेशानी है और किसी निचले स्तर पे वो काम पूरा नहीं हो रहा है तो वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत कर सकता है जी। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जहां पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। जल संसाधन विभाग में ईएनसी ने पत्र जारी किया है सारे जो मैदानी अमला है उनको कि जो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें हैं उसको कई अधिकारी तो अटेंड ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है कि क्या आई है क्या नहीं आई है, जब वो देखेंगे तब उसका निराकरण होगा। तो इसको बहुत गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है और इस तरह की यदि लापरवाही आगे होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात की जाए या प्रदेश में से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जाए, इसको लेकर सरकार कई जतन करती दिखाई दे रही है और बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते नजर आते हैं कि लापरवाही बढ़ती नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरह से आम जनता की समस्याओं को लेकर बात की जाए, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन का जिक्र भी आपने किया और इस पर कई तरह की समस्याएं, कई तरह की परेशानियों को लेकर शिकायत की जाती है लेकिन सुनवाई नहीं होती, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिस तरह से लिखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं प्रदेश में और ऐसे में आम जनता से जुड़ी समस्याएं जब जनसुनवाई में आती हैं तो उसको लेकर कुछ जगहों पर तो मौके पर ही निराकरण करने के निर्देश दे दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बार बार सख्ती की बात निकलकर सामने आने के बावजूद भी कुछ विभागों में माहौल ऐसा बना हुआ है कि सीएम के निर्देशों को नहीं सुना जाता, विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके निर्देश, उनकी जो हिदायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो क्या कुछ मानसिकता बनी हुई अधिकारी कर्मचारियों को जो इन पर असर नहीं होता? जी हाँ कमल, कुछ अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं अधीनस्थ हमले के वो लापरवाही करने के आदि हो जाते हैं और कुछ जो आला अफसर होते हैं वो भी उन पर अंकुश नहीं लगाते, जिसके कारण वो इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। तो अब जो उन्हें लगातार समीक्षाएं हो रही हैं तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि किस किस स्तर पर लापरवाही हो रही है, किस किस स्तर पर कौन सी चीज़ें टाली जा रही हैं और कब समय सीमा में काम नहीं हुआ, तो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अब जो आला अफसर हैं वो इस मामले में अंकुश लगा रहे हैं और जो मैदानी अमला है, निचला नीचे का अमला है, उसको सख्त हिदायत दी जा रही है कि ये सब चीज़ों में अब किसी तरह की कोताही और लापरवाही नहीं बरती जाएगी, यदि लगातार इस तरह का कार्यप्रणाली रही तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, निलंबन और बर्खास्त तक की कार्रवाई के बिल्कुल लेने के लिए कहा गया। बिल्कुल, और जिस तरह से खबरों का सिलसिला लगातार जारी है इनसाइट राजतंत्र में, अगली खबर लेंगे लेकिन इससे पहले यहाँ लेंगे उमेश जी एक छोटा सा ब्रेक, जल्द उठेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं इनसाइट राजतंत्र। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेंगे अगली खबर और अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। भारतीय वन सेवा के अफसरों के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने वापस लौटा दिया है। कार्मिक मंत्रालय की आपत्ति है कि IFS के कैडर रिव्यू में पदों का इजाफा निर्धारित फॉर्मेट की तरह नहीं किया गया है। वन विभाग अब एक बार फिर IFS के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को संशोधित कर केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को भेजेगा। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, इस तरह से प्रस्ताव को लेकर बात की जाए, नियुक्ति को लेकर बात की जाए और कहीं ना कहीं संतुष्टि असंतुष्टि की बातें अक्सर निकलकर सामने आती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से इस खबर को लेकर हम आज बात कर रहे हैं कि IFSA कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को संशोधित कर केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को भेजेगा, क्या कुछ ये पूरा मामला? कमर, हर 5 साल में जो है भारतीय सेवा के अधिकारियों का कैडर रिव्यू किया जाता है और हर 5 साल में जो है विभाग के द्वारा ये कैडर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार किया जाता है और कैडर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार करने के बाद इसको प्रदेश का कार्मिक मंत्रालय जो विभाग है वो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भेजता है और केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय इसको समीक्षा करने के बाद कि जो भेजा गया है वो ठीक है नहीं है या किस तरह से किया जाएगा उसके बाद उसको मंजूरी देता है। तो जो भी प्रस्ताव आता है उस हिसाब से पद जो है पदों में आमतौर पर वृद्धि ही होती है। तो इस बार भी वन विभाग ने 2015 में भेजा था और उसके बाद अब 2021 में कैडर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार किया था और तैयार करके केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को ये भेजा था। तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय जब ये पहुंचा जी, तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने उस प्रस्ताव की अध्ययन किया और उसके बाद उसमें आपत्ति लगाई और आपत्ति लगा के उस प्रस्ताव को वापस राज्य सरकार के पास भेजा और राज्य सरकार अब ने वापस वन विभाग को भेजा है जी। उसमें केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की आपत्ति ये थी कि जो वन विभाग ने कैडर रिव्यू का प्रस्ताव बनाया था वो एक जो निर्धारित फॉर्मेट है उसमें नहीं बनाया था, जो पद हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिए गए थे जी। ऐसा उनका केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय का कहना है। अब उसको जो है वन विभाग जिन्होंने तैयार किया है वो उसका अध्ययन करेंगे और वो उसको जस्टिफाई करेंगे, यदि उसमें गलत बना है तो उसको सही करेंगे और यदि उन्होंने ठीक बना के भेजा था तो उसको जस्टिफाई करके फिर से भेजा जाएगा। कमर, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रस्ताव है भेजा है बनाया था उसमें प्रस्तावित उसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 3 पद बढ़ाने और अपर मुख्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक के APCCF के 9 पद घटाने की सिफारिश की गई थी जी। इसके अलावा DFO के 90 पद किए गए थे इसमें जो प्रस्ताव था और PCCF और APCCF के जो 25 पद थे उनको घटा के 18 रह जाएंगे जो यदि प्रस्ताव भेजा था उसके हिसाब से। इसके अलावा CCF के 51 पद हैं और नए प्रस्ताव जो थे उसमें घटा दिए गए थे, उसमें 34 पद कर दिए गए थे जी। और CF के जो थे वो 10 पद कम किए गए थे, वर्तमान में CF के 40 पद हैं तो नए प्रस्ताव में 30 पद ही रह जाते जी। इसके अलावा DFO के मौजूदा स्थिति में 59 पद हैं जिनको बढ़ाकर 90 किया गया था। अब जो प्रस्ताव बनाया गया था उस प्रस्ताव में जो थे APCCF के पद जी, जिस तरह से कम किए गए थे तो आने वाले 3 साल में APCCF मिलने जो है उन पद पे आ ही नहीं पाएंगे जितने पद वो कम कर दिए गए थे। तो यही सारी चीजें देखी गई और इस पे केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आपत्ति जताई कि ये जो है निर्धारित फॉर्मेट में नहीं है, इसको निर्धारित फॉर्मेट में। तो उमेश जी, इन परिस्थिति में सवाल यही निकलता है क्योंकि जब इस तरह की प्रक्रिया चलाई जाती है तो फॉर्मेट का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उस फॉर्मेट को फॉलो क्यों नहीं किया गया, क्या कुछ वजह मानी जाए इस बात को लेकर कि जो पद बढ़ाए गए कम किए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं किया गया, ऐसा क्यों? अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार पदों का सृजन कर लिया करते हैं कई बार, क्योंकि कई बैच के अधिकारी ऐसे हैं जो वहाँ पे APCCF के पद जो हैं जितने होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पद हैं तो वो अपनी सुविधा के अनुसार प्रमोशन लेने के लिए, क्योंकि उनके हाथ में ही सारी चीज़ें होती हैं तो प्रस्ताव को बना के भेज देते हैं। तो एक समय ऐसा था कि APCCF के पद बहुत ज़्यादा सृजित हो गए थे और अब आने वाले सालों में उतने अनुभव मिलेगा नहीं तो वो उस पदों पर जा नहीं पाएंगे जी। तो इसलिए अब उन्होंने उन पदों को कम करके और DFO के पद बढ़ा दिए हैं जी। तो यही जो असंतुलन हुआ है
वो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को कहीं गलत नजर आया होगा जी, और इसलिए भेजा है कि इसको ठीक करके और पुनः भेजें जी। बिल्कुल उमेश जी, क्योंकि फॉर्मेट को जो है अमल में नहीं लाया गया प्रक्रिया के तहत, और इसको लेकर पूरा रिव्यू प्रस्ताव जो था वापस कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से जब इस तरह की प्रक्रिया होती है तो कहीं ना कहीं नियमों की बात भी निकल कर सामने आती है, तो क्या वजह नियमों में भी कुछ बदलाव देखने को मिला, क्योंकि फॉर्मेट तो वो अपनाया नहीं गया जिसको लेकर बार बार बात कही जा रही थी, तो नियमों की भी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है क्या? नियम वही है कमर, जो फॉर्मेट है फॉर्मेट के तहत ही बनाना, फॉर्मेट ही अपने आप में एक नियम है कि किस नियम के तहत कितने पद बनाए जा सकते हैं, कितने पद बनाना है, कौन सा पद कितने की संख्या कितनी होगी, किस पद पे कितने पदोन्नत होके आएंगे, वो कितने डायरेक्ट भर्ती होंगे, वो सारी फॉर्मेट में है, तो उसके अनुरूप बना के नहीं भेजा, कहीं ना कहीं उसमें गलती हुई, तो इसीलिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इसको वापस लौटाया। चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर आखिर जिस तरह से प्रस्ताव केंद्र तक गया, केंद्र से राज्य आया, राज्य के बाद फिर विभाग के पास वापस लौटता दिखाई दे, और उसके लेकर जिस तरह से उमेश जी फॉर्मेट को अमल में लाने की बात, अमल में ना लाने की बात बार बार कही जा रही है, उसको लेकर आगामी दिन में क्या कुछ बदलाव होगा, और जिस तरह से फॉर्मेट की बात बार बार निकल रही है, इस प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ संशोधन होता है और किस तरह इस प्रस्ताव को अगली बार पहुँचाया जाता है। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से केंद्रीय कार्मिक विभाग हर पांच साल में एक बार रिव्यू करता है, कैडर रिव्यू और पीसीसीएफ और एपीसीसीएफ के अभी तक 25 पद थे, नए प्रस्ताव में 18 रह जाएंगे, और सीसीएफ के 51 पद है, नए प्रस्ताव में 34 रह जाएंगे, और इस तरह के फॉर्मेट को लेकर, नियमों को लेकर जिस तरह से बदलाव की बात निकल कर सामने आई, और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से फॉर्मेट ये रिव्यू का वापस आ गया, इसको क्या कुछ संशोधन होता है और किस तरह इसको वापस एक बार फिर पहुँचाया जाता है। और इसी साथ इनसाइट राजतंत्र में आज फिलहाल इतना ही, कल कुछ और नई खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।